प्रायोजक हैं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। हमारे हर सुबह के खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हुस्मता। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन खास खबरों की जो आज समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर संतोष मानव, जिनसे हम जानेंगे कौन सी खबर को किस समाचार पत्र ने कितनी प्रमुखता से उठाया है और कुछ ऐसी भी खबरें जो सुर्खियां तो नहीं बनी लेकिन उनमें बात थी कुछ सुर्खियों जैसी। इससे पहले कि हम खबरों को विस्तार से समझें, नजर डालते हैं आज के अखबारों की सुर्खियों पर। यूपी में एक घंटे में दो मंत्रियों पर गिरी गाज। सीएम अखिलेश ने राजकिशोर सिंह और गायत्री प्रसाद को किया बर्खास्त, दोनों पर था भ्रष्टाचार का आरोप। नहीं रुक रहा कावेरी जल विवाद, तमिलनाडु को पानी देने के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, हिंसा में एक की मौत, सैकड़ों घायल। घाटी में भीड़ की आड़ में आतंकी हमला, पुंछ में लगातार तीसरे दिन भी जारी है मुठभेड़, मिनी सचिवालय में घुसे हैं आतंकी। दाऊद को उसके ही गुर्गे ने लगाया चूना, डॉन का गुर्गा 45 करोड़ लेकर फरार, मणिपुर में छिपा है। और उमर अब्दुल्ला की पत्नी को चाहिए 15 लाख गुजारा भत्ता, कोर्ट ने लगाई अर्जी, दोनों 2 साल से हैं अलग। तो यह है आज के अखबारों की सुर्खियां, जिन पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर संतोष मानव। डॉक्टर संतोष मानव, सबसे पहले बात करते हैं यूपी की, इलेक्शन करीब है और अखिलेश यादव अब अपने पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। एक घंटे के अंदर कल उन्होंने अपने दो कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद और राजकिशोर दोनों को बर्खास्त कर दिया और इन दोनों पर भ्रष्टाचार का आरोप है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? प्रदेश में चुनाव है, चुनाव की बेला में इस तरह की कार्रवाई के मायने हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार की इमेज, छवि भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के सवाल पर खराब है। इसी दो बातों को लेकर सरकार की आलोचना होती है और विपक्षी दलों को मौका मिलता है सरकार पर हमला करने का। जमीन, पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक जमीन हथिया रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये कई माह से, कई साल से चली आ रही बातें हैं। आपको याद होगा कि मथुरा में जब विवाद हुआ था पार्क की जमीन पर कब्जे को लेकर, तब भी कहा गया था कि सरकार के एक सीनियर मंत्री की नजर उस जमीन पर थी और राम वृक्ष यादव जो उस कांड का मास्टरमाइंड था उस पर किसी का हाथ है, किसी मंत्री का हाथ है। तो दरअसल अखिलेश यादव की यह कार्रवाई छवि चमकाने की कार्रवाई है कि चुनाव से पहले दो मंत्रियों को सत्ता से, मंत्री पद से हटा दो, बाहर कर दो। तो छवि जो बिगड़ गई है, जिस छवि पर दाग धब्बे लगे हैं, शायद वह कुछ साफ हो जाए, कुछ क्लीननेस आ जाए। इसीलिए गायत्री प्रसाद प्रजापत्री जो वहां के खनन मंत्री हैं, खान मंत्री हैं, जिन पर आरोप है कि वे उन्होंने भ्रष्टाचार को पनपाया और पूरे खनन विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये गायत्री प्रसाद कल तक खाकपति थे लेकिन विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद हजार करोड़ के आदमी हो गए,
कैसे हो जाते हैं लोग साल दो साल पांच साल में हजार करोड़ के आदमी। ये गायत्री प्रसाद वही हैं जिन्होंने अमेठी से संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह को हराया था और सुर्खियों में आ गए थे। राजकिशोर सिंह दूसरे मंत्री हैं जिनको बर्खास्त किया गया है, पंचायती राज मंत्री। इन पर जमीन हथियाने का आरोप है। तो दो मंत्रियों को बर्खास्त करके अखिलेश यादव ने सरकार की छवि चमकाने का प्रयास किया है। अब छवि से साफ होती है या नहीं होती है यह तो कुछ समय के बाद पता चलेगा। बहरहाल यह बड़ी खबर है, तमाम अखबारों में है, कहीं प्रमुखता के साथ कहीं छोटी खबर है, लेकिन देश के अखबारों में यह अनिवार्य रूप से यह खबर है। जी जी डॉक्टर संतोष मैना, इस खबर पर बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव जो सपा सुप्रीमो है उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन एक महीने पहले उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था अपने मंत्रियों को कि अगर ऐसी कोई जानकारी उनके खिलाफ मिलती है तो सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी ने निशाना भी साध दिया, उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार नहीं बल्कि धन कुबेर है। आपको क्या लगता है, मौके पर चौका मारा है अखिलेश यादव ने? देखिए मैंने ये खबर पढ़ी है, मुलायम सिंह जो कह रहे हैं वो अंश देखा है मैंने अखबारों में, वो कह रहे हैं कि मंत्री तो उन्होंने ही बनाए थे, बाद में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन यह कार्रवाई अखिलेश ने की है, उन्होंने नहीं की है और उनसे कोई सलाह मशविरा नहीं किया गया। लेकिन चूंकि वो पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं, तो ये दोनों अगर उनके पास आएंगे तो वो जरूर मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कि पिता पुत्र में बात नहीं होगी, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले बात तो जरूर हुई होगी, फैसला भी उस बातचीत में ही हुआ होगा। यह तो कहने की बात है कि अखिलेश ने हमसे नहीं पूछा, वो मुख्यमंत्री हैं और उनका यह अधिकार है। दरअसल यह एक तरह से जनता को भी खुश रखो और जिन पर कार्रवाई हुई है उनको भी खुश रखो, उसकी कवायद है जो चल रही है। मतलब ये एक कह सकते हैं सामंजस्य बिठाया जा रहा है। जी चलिए अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव के इस एक्शन पर बाकी मंत्री सुधरते हैं या नहीं, या यूं ही वहां पर भी भ्रष्टाचार चरम पर रहता है। बात करेंगे कावेरी जल विवाद की, पूरा तमिलनाडु इस वक्त जल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी यहां पर लोग जनहानि कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, सरकारी जो संपत्ति है उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए कावेरी जल विवाद बहुत पुराना है, 20-25 वर्षों से मैं पढ़ता रहा हूँ अखबारों में पत्रिकाओं में कावेरी जल विवाद के बारे में। कावेरी नदी तमिलनाडु कर्नाटक और केरल से होकर गुजरती है या बहती है, थोड़े समय के लिए यह पांडुचेरी से होकर समुद्र में मिल जाती है जी। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इस नदी को लेकर या पानी को लेकर विवाद हमेशा चलता रहा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20 सितंबर तक रोज 12,000 क्यूसेक पानी कर्नाटक तमिलनाडु को दे, पहले कुछ कम पानी मिलता था। तो इसी बात को लेकर विवाद है कि 20 सितंबर तक 12,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को क्यों दिया जाए और ये जो कर्नाटक है वह क्यों दे। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ही कर्नाटक में हिंसा भड़की, खासकर बेंगलुरु में भड़की। जो लोग बेंगलुरु में हैं वो फेसबुक पर मैसेज भी डाल रहे हैं, सेफ हूँ, घर पर हूँ, मतलब इतना बड़ा हंगामा, आगजनी, प्रदर्शन कि लोग फेसबुक पर मैसेज डाल रहे हैं अपने परिचितों को यह बताने के लिए कि वो सेफ है। इस विवाद में एक की मौत भी हो गई, कई लोग घायल भी हो गए, 100 के आसपास गाड़ियां फूंक दी गई, तो यह सही नहीं है। और मुझे लगता है कि यह विवाद जो है राजनीतिक पहल से दूर हो सकता है, किसी कोर्ट के फैसले से नहीं, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय भावना घुली हुई है, मिली हुई है कि हमारा पानी, हमारा राज्य, हमारी नदी। कोई यह नहीं सोच रहा है हमारा देश, हमारे लोग, हमारा पड़ोसी राज्य, इस भावना की जगह हमारा या मेरा राज्य जहां ऊपर हो जाए वहां इस तरह की घटनाएं होती हैं। जहां मैं आ जाता है वहां पर विनाश शुरू हो जाता है, ये कहना शायद गलत नहीं होगा। तो एक बड़ी खबर थी कि पानी के कारण कर्नाटक में आग लगी है और अखबारों ने इसे बड़ी खबर के रूप में छापा है। कुछ अखबारों ने अंदर के पन्ने पे विस्तार से खबर छापी है, किसी ने पहले पन्ने पे। अब मेरे पास पत्रिका अखबार है, देखिए इन्होंने इसे पहले पन्ने की पहली खबर बनाया है। ये देखिए, पानी ने लगाई आग, इतनी बड़ी खबर लीड। भास्कर में भी ये खबर है लेकिन लीड के रूप में नहीं है, नौ दुनिया में भी ये खबर है लेकिन देश विदेश के पन्ने पर है जी। तो लोगों ने अपनी रुचि के अनुसार खबर छापी है, लेकिन यह खबर भी आज देश के तमाम अखबारों में अनिवार्य रूप से है
और ठीक ठाक स्पेस इस खबर को मिला है। जी जी, अब बात करेंगे कश्मीर की, जहां पर भीड़ की आड़ में आतंकियों ने हमला किया और अभी भी 3 दिन हो चुके हैं। डॉक्टर संतोष मानव, मिनी सचिवालय से आज सुबह भी अंधाधुंध गोलियों की बौछार आई है और आज भी एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। देखिए, आज बकरीद है और 26 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब ईद के मौके पर ईदगाह और हजरत बल में कोई सभा नहीं होगी। 26 साल के बाद यह पहला मौका है जब इस त्योहार पर, इस पर्व पर दरगाहों में, ईदगाह में कोई जलसा या सभा नहीं होगी। इसका कारण यही है कि कश्मीर अशांत है। लगातार 66वें दिन, 66 डेज हो गए जब वहाँ लगातार हिंसा, प्रदर्शन, पथराव, आगजनी का दौर जारी है। और ये जो आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान पोषित आतंकवादी हैं, वो भीड़ की आड़ में सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं। आगे भीड़ है, उसके पीछे आतंकवादी हैं जो गोलियां चला रहे हैं। तो बड़ी विकट स्थिति है कश्मीर की। दूसरी ओर पूंछ जो है, वहाँ पे मिनी सचिवालय है, वहाँ आतंकवादी घुसे हैं और लगातार 3 दिन से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को गिराया है। इसके बावजूद अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि उस सचिवालय में, उस मिनी सचिवालय में कितने आतंकवादी छिपे हैं, क्योंकि सचिवालय 222 कमरों का है। अब एक एक कमरे को छानना, वहां पहुंचना सुरक्षा बलों के लिए खतरे की बात है, उनकी जान पे खतरा आता है। तो अभी तक गोलियां चल रही हैं और काउंटर भी हो रहा है, आतंकवाद भी गोली चला रहे हैं। तो एक तरफ आतंकवादियों का प्रहार, दूसरी ओर भीड़ का हमला, पूरी घाटी अस्त व्यस्त है। और आज 66 दिन हो गया और ये तब से उत्पन्न हुआ है जब बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। स्मिता, मैं इस जब वानी की बात आई तो मुझे एक और वानी की याद आ रही है। एक वानी बुरहान वानी आतंकी था और एक जो देश के खिलाफ, और एक कल और वानी की खबर आई है, नजील या नजीब, पहला नाम भूल रहा हूँ, वो भी वानी है जी। और वो VSF की असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में पूरे देश में टॉप हुआ है वो आदमी, वह भी कश्मीर का है। हथियार की जगह उसने कलम को अपनी ताकत बनाया और उसने कहा कि मैंने पेन उठाई है, मैंने कलम उठाया है देश की रक्षा के लिए। तो एक वाणी देश की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है और एक वाणी देश के विनाश की बात करता था जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को इस वाणी के साथ होना चाहिए जो पेन से तकदीर बदलने की बात करता है, न कि उस वाणी के लिए खून बहाना चाहिए जो देश को तोड़ने की बात करता था। जी स्मिता, डॉक्टर संतोष मानव, लेकिन आज बकरीद है, इतना बड़ा त्योहार है और कश्मीर अभी भी अशांत है। सुरक्षा बल आतंकियों से भी मुठभेड़ कर रहे हैं, भीड़ से भी लड़ रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं हमारी भीड़ को ऐसा नहीं लगता है कि जो त्योहार आपका खुद का है, इतना बड़ा त्योहार है, उस पर आप लोग ईद की नमाज अदा नहीं कर पा रहे हैं और खून खराबा कर रहे हैं, कहां तक सही है? तो सही तो कतई नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है कि आप पर्व मनाए, आज इतना बड़ा त्योहार है, आपको पर्व मनाना चाहिए, इबादत गाह में जाना चाहिए, उसकी जगह पत्थर फेंके जा रहे हैं। लेकिन इस जनता को, कश्मीर की जनता को क्या हुआ है, इस मर्ज का इलाज क्या है, कैसे हो, ये समझ में या तो सत्ता नहीं समझ पा रही है या वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी मांग या उनकी डिमांड या उनका जो कुछ भी कहना हो वो गलत है। और सत्ता जम्मू कश्मीर में है या जो सत्ता दिल्ली में है, उससे कन्विंस नहीं कर पा रही है कि आपका रास्ता गलत है, आप इस रास्ते को छोड़िए, शांति की राह पर आइए, हमसे बात कीजिए, हम रास्ता निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, लेकिन हमें उम्मीद यह करनी चाहिए कि भले 66 दिन गुजर गए हों, 2-4 दिनों में कश्मीर में शांति लौट आएगी। हम एक शांति प्रिय मुल्क के लोग हैं और हमें हमेशा शांति की ही बात करनी चाहिए। जी, अब बात करेंगे डॉक्टर संतोष मानव दाऊद की, जिसे उसी के गुर्गे ने 45 करोड़ का चूना लगा दिया है। ये बड़ी बात है कि एक डॉन को, उसी का गुर्गा, इतना बड़ा चूना लगा के निकल जाता और मेघालय मणिपुर में वो छिपा हुआ है और डॉन अभी तक कुछ कर नहीं पाया। दरअसल कल स्मिता, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है और कल के टाइम्स ऑफ इंडिया, बीते कल के, उसमें यह पहले पन्ने की पहली खबर थी और आज कुछ हिंदी के अखबारों ने उसको छापा है। चूंकि वह टाइम्स ऑफ इंडिया की अपनी खबर थी, उसके संवाददाता की अपनी खबर थी और कुछ अखबारों ने आज इसको जगह दी है। होता यह है कि
किसी अखबार की एक्सक्लूसिव खबर को भी एजेंसी वाले दूसरे दिन चला देते हैं, अपनी खबर बताकर हिंदी में चल जाती है वो खबर जी। तो अब कल चली होगी तो आज के हिंदी अखबारों में वो खबर है। कहानी कुछ इस तरह है कि दिल्ली के किसी सफेद पोश से किसी शख्स से दाऊद इब्राहिम को 45 करोड़ रुपया लेना था, और बात यह हुई थी कि उसमें से 5 करोड़ जो उनका गुर्गा है खलीक अहमद डॉन नाम है उसका, वो 5 करोड़ बतौर कमीशन कह सकते हैं आप या जो भी, उस खलीक अहमद डॉन को मिलना था और 40 करोड़ रुपए हवाला के जरिए दाऊद के पास भेजना था। लेकिन वो खलीक अहमद थोड़े चालाक निकले, उन्होंने क्या किया कि 45 करोड़ खुद ले लिए और पैसा लेकर चंपत हो गए, गायब हो गए। यानी पहली बार किसी ने दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन खतरनाक आदमी को चूना लगाया जी, चकमा दिया। कहा जा रहा है कि पैसा लेकर खलीक अहमद मणिपुर भाग गया है और वहीं कहीं छिपा हुआ है। लेकिन दाऊद इब्राहिम ने भी अपने गुंडे गुड़गे या जासूस जो कहें उसकी खोज में दौड़ा दिए हैं। तो एक तरह से दाऊद इब्राहिम को झटका कि उनका डर अब खत्म हो रहा है या उनका खौफ अब कम हो रहा है, इसी कारण उनके ही लोग अब उनको चकमा देने लगे हैं या चूना लगाने लगे हैं। क्योंकि डॉन से संबंधित खबर थी तो अखबार वालों ने इसे छापा है, लेकिन अब बहुत प्रमुखता से नहीं छपी है, शायद इसलिए भी कि कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में या पहले पन्ने की पहली खबर थी। जी स्मिता, जब देखना ये होगा कि दाऊद अपने साथ की हुई गद्दारी पर अपने गुर्गे के साथ हाल क्या करते हैं। लेकिन ये वाकई चौंकाने वाली बात है कि दाऊद इब्राहिम को कोई और नहीं बल्कि उसी का गुर्गे ने इतना बड़ा चूना लगाया और वो कुछ नहीं कर पाया अभी तक। खैर देखना ये होगा कि क्या होता है आगे। अब बात करते हैं उमर अब्दुल्ला की, जहां पर उनकी पत्नी ने गुजारा भत्ते के लिए कोर्ट में जो अर्जी लगाई है वो 15 लाख रुपए की लगाई है और दोनों 2 साल से अलग है। क्या कहेंगे डॉक्टर संतोष मानव? देखिए, इस खबर के पहले मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके वो नेता है, और इनके पिता फारूक अब्दुल्ला भी देश के बड़े नेता हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, केंद्र में उमर अब्दुल्ला भी मंत्री थे। तो दोनों बड़े लोग हैं और इनसे संबंधित खबर जब आती है तो अखबार की सुर्खी बन जाती है। हुआ यह है कि उमर अब्दुल्ला ने अंतरधार्मिक विवाह किया था, इनकी पत्नी का नाम पायल है, पायल अब्दुल्ला, लेकिन पिछले 2 साल से दोनों में संबंध तनावपूर्ण है और यही कारण है कि पायल अलग रहती हैं, 2 साल से अपने दोनों बच्चों के साथ अलग रहती हैं। इस बीच उमर अब्दुल्ला एक टीवी चैनल की पत्रकार या एंकर, उनके साथ उनके प्रेम के संबंध हैं, दोनों बिना विवाह के लीव इन रिलेशन में रहते हैं, साथ रहते हैं। मैं उस महिला पत्रकार का नाम जानता हूं लेकिन मैं यह नाम नहीं लूंगा, वो सही नहीं होगा। तो दोनों के बीच विवाद है, पत्नी दिल्ली में रहती है, पति कभी दिल्ली कभी कश्मीर कभी जम्मू में रहते हैं। पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला ने तलाक की अर्जी लगाई थी कोर्ट में कि मुझे पायल से तलाक चाहिए, मुझे उनके साथ नहीं रहना है, लेकिन कोर्ट ने उनके तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि उमर अब्दुल्ला एक भी ऐसा तर्क या तथ्य नहीं दे पाए हैं जिससे यह लगे कि उनकी तलाक की अर्जी के पीछे कोई आधार है, इसलिए उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया। जब तलाक की अर्जी खारिज हो गई तो पायल ने एक अर्जी लगाई है कोर्ट में कि वो 2 साल से अलग रहती हैं, दोनों बच्चे भी उनके साथ रहते हैं, पूरा खर्च उनके माता पिता उठा रहे हैं, उमर अब्दुल्ला अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, पत्नी पर भी ध्यान नहीं देते हैं, दोनों के बीच अबोलापन है, इसलिए उन्हें 15 लाख रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता दिया जाए, ऐसी अर्जी पायल ने कोर्ट में लगाई है। बहुत संभव है कि कोर्ट का फैसला पायल के फेवर में आए, पायल के पक्ष में आए, अब ये तो बाद की बात है, लेकिन चूंकि खबर उमर अब्दुल्ला से जुड़ी है इसलिए कुछ अखबारों ने छापा है, हालांकि बहुत प्रमुखता के साथ नहीं छापा है। जी जी डॉक्टर संतोष मानव, अब बात करते हैं उन खबरों की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो सुर्खियों के लिहाज से जरूरी है या ये कहें कि महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन्हें अखबारों में जगह मिली है। देखिए, 2-3 खबरों का उल्लेख मैं करना चाहूंगा। एक खबर तो यह है कि केंद्र सरकार के गरीबी हटाओ एजेंडा या गरीबों का कल्याण कैसे हो, इसके लिए एक कमेटी बनाई थी मुख्यमंत्रियों की कमेटी, कि ये मुख्यमंत्री बैठकर
आपस में चर्चा करेंगे, कुछ बिंदु कुछ एजेंडा तैयार करेंगे, उसे केंद्र को भेजा जाएगा और केंद्र की सरकार उसके अनुरूप काम करेगी जिससे गरीबों का कल्याण हो। इस कमेटी के चेयरमैन या कहें अध्यक्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनाए गए थे। कल इस कमेटी की पहली बैठक भोपाल में हुई जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पार्टी के उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे आदि शामिल हुए। तो एक खबर मध्य प्रदेश के अखबारों में इस बैठक को लेकर छपी है जिसमें शिवराज सिंह चौहान के मुख से यह कहा गया है कि वो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनकी राय जान रहे हैं और उसके बाद एजेंडा तैयार करेंगे और केंद्र को सौंपेंगे। तो एक खबर यह है प्रमुखता के साथ है जी। दूसरी खबर यह है कि कल एक बैठक में दो अधिकारियों के बीच तूतू मैं हो गई थी। दोनों सीनियर अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, इसलिए यह खबर भी प्रमुखता से के साथ छपी है। एक अधिकारी हैं ये विवेक अग्रवाल जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं और दूसरे अधिकारी हैं अपर मुख्य सचिव आरएस जुलानिया। तो आरएस जुलानिया और विवेक अग्रवाल के बीच मीटिंग में जो तूतू मैं हुई है उसकी खबर भी अखबारों में है और एक अखबार ने तो शब्दशः वही छापा है कि कैसे दोनों अधिकारी उलझ गए और कभी अंग्रेजी और कभी हिंदी में एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। बैठक में मुख्य सचिव एंटोनी डिसा भी थे, वो इससे नाराज हुए और बैठक छोड़कर चले गए। तीसरी खबर एक कैलाश विजयवर्गीय की है। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के नेता हैं और अब फिलहाल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया था कि मेट्रो रेल को एक बयान दिया था जिससे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान थोड़े नाराज हुए थे जी, उन्होंने अपनी और प्रतिक्रिया दी थी इस पर। उन्होंने कहा था कि कैलाश विजयवर्गीय जब से दिल्ली गए हैं मध्य प्रदेश को लेकर उनकी समझ कम हो गई है। इस बयान के बाद आज कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान अखबारों में छपा है कि प्रदेश अध्यक्ष खुद को सीएम समझ रहे हैं, उन्हें अपनी हैसियत में रहना चाहिए। अभी जो नेताओं के झगड़े हैं, बीजेपी के नेताओं के झगड़े हैं, इसको देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो अवगुण थे आपसी फूट की आपसी कलह का, वो अब भाजपा को लग रहा है। और मुझे लगता है कि यह बात ना सिर्फ भाजपा या कांग्रेस की है, ये सत्ता का रोग है। अगर कोई पार्टी बहुत दिनों तक सत्ता में रह जाए तो उस पार्टी में अक्सर ऐसे रोग लग जाते हैं। बहरहाल कैलाश विजयवर्गीय के बयान को पत्रिका ने बहुत प्रमुखता के साथ छापा है। प्रदेश अध्यक्ष खुद को सीएम समझ रहे हैं, उन्हें अपनी हैसियत में रहना चाहिए जी। जी स्मिता, डॉक्टर संतोष माना जल्दी से संपादकीय पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए स्मिता, आज अधिकतर अखबारों ने कावेरी जल विवाद को संपादकीय का आधार बनाया है। पत्रिका ने इसी विषय पर संपादकीय लिखा है जिसका शीर्षक है कावेरी पर कोहराम। पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है कि कोर्ट के फैसले से यह विवाद नहीं सुलझेगा, यह पुराना विवाद है और इसे सुलझाने के लिए राजनीतिक पहल होनी चाहिए। भास्कर का संपादकीय भी इसी विषय पर है और शीर्षक है कावेरी जल में तमिलनाडु और कर्नाटक की क्षेत्रीय आग। भास्कर लिखता है कि ऐसा यानी यह विवाद या आगजनी या प्रदर्शन क्षेत्रीय भावना के कारण हो रहा है, क्षेत्रीय भावना के उबाल के कारण हो रहा है जी। दोनों राज्यों के लोगों को लगता है कि मेरा राज्य मेरी नदी, वह यह नहीं कहते हमारा देश। तो जहां राष्ट्र की भावना कमजोर होगी क्षेत्रीय भावना प्रबल होगी, वहां अक्सर इस तरह के विवाद सामने आते हैं। जागरण का संपादकीय अलग विषय पर है। केंद्र की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बजट जो है वो पहले पेश किया जाएगा। अब तक होता यह रहा है कि 26 फरवरी को यानी फरवरी के अंतिम सप्ताह में बजट पेश किया जाता है। सरकार ने इसे अब जनवरी में करने का फैसला किया है लेकिन क्रमशः, और इस बार का बजट फरवरी के पहले सप्ताह में पेश होगा। जागरण इसे सही कदम मानता है। जागरण ने लिखा है कि यह व्यवस्था अंग्रेजों की बनाई थी और उसे उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार बनाया था। केंद्र की सरकार अब इसमें फेर बदल कर रही है, यह एक अच्छा कदम है। जी स्मिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संतोष मानव मेरे साथ आज के अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा करने के लिए और संपादकीय पर भी विचार विमर्श अपने रखने के लिए। तो ये थे आज के अखबारों की सुर्खियां, कल कुछ और सुर्खियों को लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही लें पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती पेट सफा हर रोग दफा।